सबसे अहम खबर के साथ, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि 7 राज्यों की 13 सीटों पर 10 जुलाई को हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम आज मतगणना के बाद घोषित कर दिए जाएंगे। यानी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार समेत कुल ऐसे 7 राज्य हैं जहां पर 13 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से वोटों की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। यहां पिछली बार भाजपा ने 3 सीट तो कांग्रेस 2 और अन्य पार्टियां 8 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। अब इस चुनाव में 10 सीट विधायकों के इस्तीफे और 3 सीट मौजूदा विधायक के निधन की वजह से खाली हो गई थी। अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर लगातार 3 बार से विधायक कमलेश शाह ने 2023 में कांग्रेस के टिकट से चुनाव में जीत हासिल की। अब इसके 6 महीने बाद ही कमलेश कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए। कमलेश शाह 2013 से इस सीट पर काबिज हैं और अब भाजपा के टिकट पर उपचुनाव में यहां से उतरे हैं, यानी चुनावी मैदान में ताल ठोकते दिख रहे हैं। और 332 मतदान केंद्रों पर हुई वोटिंग के लिए 17 टेबल लगाई गई हैं। पोस्टल बैलेट्स की मतगणना के लिए 4 टेबल लगाई गई हैं। यानी सबसे पहले तो डाक मतपत्रों की गिनती होगी, यानी कुल 20 राउंड होंगे जिसमें काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। यानी पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए 4 टेबल लगा दी गई हैं और सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, यानी कुल 20 राउंड में काउंटिंग होगी। यानी मतगणना शुरू होने के 1 घंटे बाद से रुझान आना अब धीरे धीरे शुरू भी हो रहे हैं। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए जिस तरह से 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी और आज का दिन, यानी कि अब नतीजों का इंतजार है, रिजल्ट का इंतजार है कि आखिरकार कौन सिरमौर बनने वाला है। 9 प्रत्याशी अमरवाड़ा में, आपको बता दें, चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी के कमलेश शाह हैं, तो कांग्रेस के धीरन शाह हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानी कि गोंगपा भी इस बार चुनावी मैदान में हैं। और 2023 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर अमरवाड़ा से कमलेश शाह जीते थे। और शिमला से हमारे सहयोगी विजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आपसे सवाल कि जिस तरह की स्थितियां अभी हम देख पा रहे हैं शिमला में, क्या हालात हैं, क्या तस्वीरें जो है वो सुबह से आपने देखी? देखिये, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस समय शिमला में ही हैं और लगातार फीडबैक ले रहे हैं कि कहाँ कहाँ किस तरह की परिस्थितियां जो है वो कांग्रेस के लिए बेहतर हैं। तो इस तरह की जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। और चुनावी प्रक्रिया जिस तरह से खत्म हुई थी 10 तारीख को, उसके बाद लगातार कई तरह की चर्चा जो है वो यहां पर सामने आ रही थी कि क्या कांग्रेस इन 3 सीटों पर, क्योंकि 3 सीटों पर चुनाव जो है वो यहां पर हो रहा है, एक नालागढ़ का चुनाव जो है वो हो रहा है, विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, उसके साथ ही देहरा में उपचुनाव हो रहा है, इसके साथ ही हमीरपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है, हमीरपुर सदर सीट पर उपचुनाव हो रहा है। तो इन तीनों ही सीटों पर जिस तरह से पहले काबिज इंडिपेंडेंट विधायक यानी कि जो आजाद उम्मीदवार थे वो यहां पर काबिज हुए थे और विधायकों के इस्तीफे यहां पर हुए। दरअसल इसके पीछे कहानी थोड़ा सा अगर पीछे हम जाएं तो राज्यसभा का जब उपचुनाव यहां पर हुआ था 27 फरवरी को, उसके बाद से लगातार सियासी संकट हिमाचल प्रदेश में देखा जा रहा था। लेकिन 6 सीटों पर उपचुनाव हुआ और उसके साथ ही 4 सीटों पर जो है वो हिमाचल प्रदेश के लोकसभा के आम चुनाव यहां पर हुए। इसमें 6 सीटों में से 4 सीटों पर जो है वो भाजपा, माफ कीजिए, कांग्रेस को यहां पर जीत मिली थी और 2 सीटों पर भाजपा को यहां पर जीत मिली थी। तो ऐसे में सियासी संकट जो है वो उसी समय यहां पर टलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन उसके बाद भी लगातार आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा। मुख्यमंत्री और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता लगातार ये बात जो है वो जनता के बीच में जाकर कहते रहे कि हिमाचल किसी षड्यंत्र के तहत भाजपा ने जो है वो मिशन लोटस जो है उसका यहां पर प्रयोग किया है और ऐसे में एक बड़ा संकट हिमाचल प्रदेश में एक षड्यंत्र के तहत यहां पर रचा और जिसमें सरकार को गिराने की कोशिश यहां पर भाजपा के नेताओं की तरफ से की गई। खास तौर पर निशाना जो है उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ऊपर जो है वो उन्होंने उस समय साधा था। लेकिन आज हालात बेहद अलग है क्योंकि अब वो जो सियासी संकट था वो पिछले उपचुनाव जो 6 उपचुनाव हुए थे उसके साथ ही टलता हुआ नजर आ रहा था। साख के ऊपर सवाल जो है वो जरूर है इस चुनाव के ऊपर। एक तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी देहरा से उपचुनाव जो है वहां पर लड़ रही है कांग्रेस के टिकट पर, तो सभी की नजरें जो है वो देहरा के ऊपर टिकी हुई हैं। सुबह से अब तक जो है 8 बजे से वोटिंग यहां पर शुरू हुई थी, पूरी तरह से सुरक्षा बल तैनात है तीनों ही सीटों पर जहां पर काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, तीनों ही सीटों पर और वहीं पर ही काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर
स्पीकर जो है उनकी मौजूदगी में अलग अलग टेबल्स पे काउंटिंग जो है वो यहां पर चल रही है। दो राउंड की काउंटिंग अभी तक हो चुकी है। ताजा हालात ये है कि 360 वोटों से आगे इस समय होशियार सिंह है, जो कि देहरा सीट की अगर बात करें तो वहां पर होशियार सिंह को ही, क्योंकि वही पहले भी विधायक थे, उन्हीं को भाजपा ने अपना टिकट यहां पर दिया। और तीनों ही सीटों पर जो है, जो जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफे अपने दिए थे, उन्हीं को भाजपा ने जो है अपना उम्मीदवार यहां पर बनाया था। बिल्कुल, तो आज काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और इसके बाद आप ये मान के चलिए कि अब से कुछ ही देर में जो है वो रुझान आने जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। फिलहाल कमलेश ठाकुर जो कि बिल्कुल रुझान आने शुरू हो जाएंगे और जो पत्नी है सीएम सुक्खू की, वो फिलहाल तो 360 वोटों से कह सकते हैं कि पीछे चल रही हैं। और दूसरी तरफ हिमाचल सीएम और नेता प्रतिपक्ष की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी बातचीत करने के लिए। तो एमपी के अमरवाड़ा उपचुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर इस समय चुनावी मैदान में है, लेकिन अभी अपडेट लगातार ही सामने आ रहा है कि वो 360 वोटों से पीछे भी चल रही हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजों से सरकार को खतरा नहीं है, मगर ये तय है, ये माना जा रहा है कि सत्तारूढ़ दल की जीत हुई तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कांग्रेस में सियासी कद जरूर बढ़ जाएगा।